चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में जहां चुनावी जलसे शुरू हो गए, तो वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीबीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव अभी केवल इसीलिए नहीं कराए जा रहे क्योंकि कोरोना का खतरा है। कोरोना के कारण ही 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। ऐसे महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। न्यूज जंक्शन 24 की टीम ने बुधवार को जब महाविद्यालय का दौरा किया तो छात्रों ने खुलकर चुनाव कराने की मांग उठाई। छात्रों का साफ कहना है कि जब राजनीतिक जलसे हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते। कॉलेज प्रशासन जानबूझकर नहीं चाहता कि चुनाव हो, छात्रों ने साफ कहा। प्रवेश से लेकर तमाम समस्याएं अभी तक छात्रों को आ रही हैं। अगर छात्र संघ होता तो इसका समाधान हो चुका होता। छात्र और कॉलेज प्रशासन की छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या राय है, देखिए विंध्या ढीगरा और सुखविंदर कौर की रिपोर्ट। आज हम आ गए हैं खगवानी के एमबीबीजी कॉलेज, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय भी कहलाता है। तो आज हम मैम से यहाँ जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ की चीफ प्रॉक्टर मैम शांति नायक जी। हम मैम से जानेंगे कि यहाँ छात्र संघ के चुनाव आखिरी कब हुए थे, अब क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो ऐसे ही चुनाव भी तो करवाए जा सकते हैं। एक संस्था के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यह तो एमबीपीजी कॉलेज है हल्द्वानी का। यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े राजनेता निकले हैं, तो आइए मैम से जानते हैं कि क्यों यहाँ चुनाव नहीं हुआ। मैम आप बताएंगे कि यहाँ आखिरी छात्र संघ के चुनाव कब हुए थे? ये आखिरी चुनाव हमारा 2019 में हुआ था और उसके बाद क्योंकि कोरोना हो गया, सभी चीज ऑनलाइन होने लगी थी, बच्चे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो उसके बाद कोई गाइडलाइन नहीं आई कि इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा मैम, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन करवाने चाहिए, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं अगर इलेक्शन नहीं हो रहा? देखिए आप अभी तक ये कह रही थी कि एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम भी हमारे फाइनल ईयर्स के बच्चों के हो रहे हैं, क्योंकि जिनका रिकॉर्ड आगे जाना है और जिन्होंने आगे भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो उन बच्चों के लिए एग्जाम हो रहे हैं, और उसके बाद स्थिति सही रही तो और बच्चों की भी एग्जाम और परीक्षाएं होंगी, और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग चुनाव नहीं करा सकते। तो मैम आपने इस बात का कोई विरोध नहीं जताया कि बच्चों ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं करी कि चुनाव होने चाहिए? जैसे 2019 में आखिरी चुनाव हुए थे तब से छात्र संघ अध्यक्ष की सीट खाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज ऐसी नहीं होती, ये तो है ऊपर से सरकार की तरफ से हमारे पास आदेश आएगा तभी हम चुनाव करा सकते हैं, और कौन नहीं चाहता है कि बच्चों को भी अपना अधिकार मिले, बच्चों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अभी ऊपर से दायित्व दिया जाएगा तभी हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव कराने में अभी कोरोना का भी है, ये भी डर लगती है बच्चों के, कितने बच्चों ने इंजेक्शन लगाए हैं, किसी ने नहीं लगाए हैं, जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी और ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक के हम चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या मैम बच्चों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई? बच्चे तो खुद ही अभी आ रहे हैं, खुद ही सब इतने परेशान से कोरोना से, अब परीक्षाएं दे रहे हैं, अब आ रहे हैं, धीमे धीमे स्थिति संभलेगी और जैसा आदेश होगा वैसे हम लोग उन दायित्वों में निभाएंगे। तो आइए जानते हैं एमबीपीजी के छात्रों से भी क्या चुनाव ना होने के लिए वो भी ना खुश है। तो पूछते हैं छात्रों से कि उन्हें क्या उम्मीद है, उन्होंने क्या मांगे करी हैं चुनाव को लेकर। सर आपका नाम? सर मैं जानना चाहूंगी कि छात्र संघ के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है कि चुनाव इस बार होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कोरोना को देखते हुए? छात्र संघ चुनाव जैसे कि आपको बताया 2019 में लास्ट छात्र संघ चुनाव हुए थे, इसके बाद पिछले साल कोरोना के चक्कर में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, इस साल भी अभी तक एग्जाम है तो इस बीच में चुनाव जब हो जाने चाहिए अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। वो छात्र संघ चुनाव मेन जो है कॉलेज में बच्चों के लिए ही है, क्योंकि जब छात्र संघ पदाधिकारी जीतते हैं तो बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो इस वजह से जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो कॉलेज में भी बच्चों को भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, कई उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जो कई बच्चे जो छात्र संघ की तैयारी कर रहे थे अपने, जिनने अपना आगे भी भविष्य देखना है, वो उनकी एज भी जा रही है और क्या कहते हैं चुनाव भी नहीं हो पा रहे, उस वजह से उन्हें भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो सर क्या आप भी छात्र संघ की चुनाव तैयारी कर रहे हैं? जी मैं भी छात्र संघ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी फाइनल ईयर चल रहा है, अगर इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो हमें भी दिक्कत है, क्योंकि हम 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं।
तो जैसा कि चीफ प्रॉक्टर मैम ने बताया कि अभी तो छात्र संघ चुनाव के लिए ऊपर से कोई निर्देश नहीं आया, तो आपने क्या कोई विरोध जारी किया है? विरोध तो नहीं किया, लेकिन छात्र संघ चुनाव आप खुद देखिए कि कोरोना है तो लेकिन भीड़ कैसी हो रही है, हर जगह पे भीड़ है, पेपर भी हो रहे हैं, अब 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, सब चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? हमारा कहना ये है कि छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो? जी, हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव ना होने को लेकर आपका क्या कहना है? जी, मेन मुद्दा ये है कि छात्रों की बातें सुनी नहीं जाती, क्योंकि 2 साल से छात्रों का कोई नेतृत्व नहीं कर पा रहा। 2019 में आखिरी चुनाव हुआ, इसका मतलब 2 साल से अब यहाँ पर कोई छात्र संघ का अध्यक्ष है ही नहीं। छात्र संघ का अध्यक्ष तो है, लेकिन कॉलेज अभी उनका पद उनको मतलब उनका अभी पद उनका कन्फर्म नहीं हुआ है कि उनका पद अभी खाली हो चुका है, लेकिन 2 साल से छात्र आस में बैठे हैं कि कोई उनका लीडर हो। अब बिना उसके छात्रों के प्रताड़ित करा जा रहा है, छात्र कभी अपने समस्या लेके कभी प्रिंसिपल के पास भेज दिया जा रहा है, कभी किसी टीचर के पास भेज दिया जा रहा है, कोई उनका नेतृत्व करने को है नहीं। क्या आप भी छात्र संघ के चुनाव? जी मैडम, हम भी हमारी भी 2 साल से तैयारी चली रही है, और कोरोना के उससे सब ऐसा ही हो रहा है कि 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है सरकार, छात्र संघ चुनाव कराने में इनका सरकार का अभी कोई आदेश नहीं आया। ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर आप? ऑफलाइन एग्जाम्स अगर हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते? ऑफलाइन एग्जाम में बच्चे भी वैसे हैं, सारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करा जा रहा है, और सबको वैक्सीनेटेड बच्चे आ रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी कैंप लगाया गया है कि सारे यहीं पर ही सारे बच्चों को वैक्सीन यहीं पर ही उपलब्ध कराई है। अब जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब वैक्सीनेटेड हैं, कुछ ही ऐसे गिने चुने बच्चे हैं जो बिना वैक्सीन का आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वैक्सीनेटेड हैं, तो इस हिसाब से चुनाव कराना संभव है। तो क्या जैसे कि आप देख रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं पर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में कोरोना का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? गाइडलाइंस का तो पूरा ध्यान रखा ही जा रहा है, हर कक्षा में पूरे सैनिटाइजर से पहले पूरा क्लीनिंग करी जा रही है, मास्क सभी कक्षा में बिना मास्क के आना वर्जित करा जा रहा है, सब टीचर भी इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव के तौर पे फिर उस हिसाब से व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मतलब आप भी चाहते हैं कि चुनाव हो? हर कोई चाहता है कि चुनाव हो, क्योंकि 2 साल से अगर चुनाव नहीं हुए तो फिर अब इस साल भी नहीं होंगे तो फिर काफ़ी बच्चों का एक तो उम्र का होता है कि चुनाव में इतने उम्र के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकते, अब हर एक की उम्र निकली जाएगी फिर उनका बर्बाद हो जाएगा, फिर आगे जाके अगर कोर्स भी नहीं है मतलब MA MSc MCOM इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि कोई चुनाव लड़ सके बिना कोर्स। मेरा नाम ज्योति रावत है। मैं ये जानना चाहूँगी जैसा कि सवाल डॉक्यूमेंट्स को लेकर SC ST OBC जो डॉक्यूमेंट बनाने का पूरा समय दिया था, बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन है पूरा समय नहीं दे रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा कि बच्चे क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, क्या कितना समय मिलना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है, इतने कम टाइम में कुछ भी है जनरल को छोड़ के इतने कम टाइम में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना सकता, क्योंकि एटलीस्ट 14 या 15 दिन तो लगते हैं और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि बच्चे सर्टिफिकेट बना सकें, नहीं तो इससे बच्चों को भी दिक्कत होगी और उनके पेरेंट्स को भी दिक्कत ही होगी, और 14-15 दिन में ये काम तो इम्पॉसिबल चीज़ है, और 2 दिन में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमने भी बनवाए हैं, अगर हमें भी कोई सर्टिफिकेट होता है तो 14 या 15 दिन तो नॉर्मली है, और अगर जैसा भी टीचर्स लोग कह रहे हैं कि 2 या 3 में प्रोवाइड कराओ कहीं भी कराओ तो 2-3 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रशासन को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए बच्चों को। तो क्या इस बात के लिए बच्चों ने कुछ प्रदर्शन वगैरह भी किया है? हाँ, बच्चों ने प्रदर्शन तो किया गया है किया था और बच्चे गए भी थे टीचर्स के पास, उन्होंने विरोध भी किया था, और अब देखो टीचर्स तो क्या इसमें बोलते हैं या क्या चीज़ें करते हैं, पर हाँ बच्चों के द्वारा इसके विरोध भी किया था और प्रदर्शन भी किया गया। जैसा कि आपने देखा यहाँ बच्चे काफ़ी परेशान हैं, बच्चों को अपनी समस्याएं बताने के लिए डायरेक्ट प्रशासन के पास जाना पड़ता है, कॉलेज प्रशासन भी काफ़ी हद तक सुनवाई कर रहा है परंतु अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में कॉलेज अध्यक्ष का होना काफ़ी ज़रूरी है। छात्र संघ के चुनाव होंगे, नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तो ये सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।